जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी स्वीटीज़? आई होप फुल कि आप और मैं हैं हम सब ठीक ठाक फिट फाट। और मैं यहाँ आई हूँ एक अच्छी सी मज़ेदार सी समर रेसिपी के साथ। जी आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे हम, और माशाल्लाह से आलू मेरे बहुत बड़े संभाले नहीं जा रहे, तो मैंने कहा चलो इनकी टिक्कियाँ बना लें। मजाक कर रही हूँ, कमीना सब्ज़ी वाला इतने छोटे आलू दे गया पागल सा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी अब इनका क्या करूँ। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं मज़ेदार सी न्यू स्टाइल से, जो आपको लगेंगी बहुत ही मज़ेदार सी। तो चले हम रेडी करते हैं आलू को, अच्छे से मैश करते हैं। मैं हाथ से करूँगी, मैशर से नहीं करूँगी, क्योंकि वो फिर ज़्यादा ही समझ लें कि मलिदा हो जाता है, तो मैं अच्छा नहीं लगता ना, ज़रा टिक्की थोड़ा थोड़ा आलू खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं हाथ से मैश कर लेती हूँ। आलू मेरे अच्छे से हो चुके हैं मैश, तो मैंने इनको हाथ से किया है, और देखें आपके सामने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया, मतलब वो जिस तरह कहते हैं ना मलिदा बना लेना किसी चीज़ का, वो नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने लिया है चॉप किया हुआ एक बड़ा साइज का प्याज, धनिया और हरी मिर्चें। तो जी हम भी इसमें इन सबको कर देते हैं ऐड वैड, शेड मैड जो भी करना है वो कर दें ऐड। तो फिर यह है स्पाइसेस, स्पाइसेस में है 1 टीस्पून जीरा कूटा हुआ, और 1 टीस्पून है नमक की, 1 टीस्पून है चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कूटी लाल मिर्च, और 2 टेबलस्पून है सूखा धनिया पीसा हुआ। आपको पता है टिक्कियों की शान है सूखे गरम मसाले में। तो अब जी हम इसको अच्छे से करते हैं मिक्स, ताकि ये बने बड़ी ही जहरीली नहीं लजीज और मज़ेदार। उल्टी लफ्ज़ आई तो मुँह से निकल रहे हैं, ज़ुबान फिसल फिसल जा रही है। तो एनी हो हम करते हैं इसको रेडी। ये देखें जी मसाला हमारा टिक्कियों का हो चुका है बड़ा ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा चटपटा सा रेडी। तो अब दे लेते हैं फटाफट से इसको शेप। शेप आप जैसे चाहें जो चाहें आप दे सकते हैं, मैं राउंड में दूँगी, राउंड में अच्छी लगती हैं टिक्कियाँ बनी हुई, वो ज़रा ना बाजारी लुक देती हैं, बड़ी मज़ेदार लगती हैं। तो अब हम फटाफट से इसको, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी, ऐसे पिद्दी पिद्दी सी छोनी छोनी सी बनाऊंगी जो लगेंगी बड़ी पारी पारी सी। ये इस तरीके से ये देखें कितनी पारी लग रही है पिडो पिडो सी। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्द चटाचट फटाफट मज़ेदार से, भी मेरे हाथ भी नहीं वॉश किए, चटाचट फटाफट मज़ेदार से आलू की टिक्की की शेप हो चुकी है रेडी, और वो भी ढेरों ढेर ढेर कितनी मज़ेदार सी लग रही है। तो अब हम इसको करते हैं फ्राई। और हाँ जी, तो यहाँ पे पैन रख दिया मैंने चूल्हे पे, और इसमें डाल देंगे ऑयल, क्योंकि हमने डीप फ्राई करनी है और बड़ी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी बनानी है। तो इतना सा मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी, और इसको कर देंगे गरम, होने के लिए रख देंगे। तब जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है, हम अपनी टिक्कियां करेंगे बेसन में फ्राई। मैं कहती हूँ क्या ही बात है, क्या ही बात है, इतना को कोई मज़ेदार फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी हसबे ज़रूरत, मतलब बेसन के अकॉर्डिंग हम इसमें दड़ा मिर्च डालेंगे और नमक ऐड करेंगे सिर्फ बेसन के अकॉर्डिंग, ताकि फीका फीका टेस्ट ना आए, ज़रा चटपटा सा आए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, पानी हम ज़्यादा नहीं, पतला पेस्ट नहीं बनाना, ना ज़्यादा थिक बनाना है, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से होना चाहिए। हाँ जी, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा, ना पतला है ना थिक है, और कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ ये हो गया है रेडी। और यहाँ पे ऑयल भी हमारा हो चुका है गर्म। तो अब हम करते हैं अपनी मज़ेदार सी आलू की टिक्कियों को फ्राई। ये हम करेंगे, डालेंगे इसमें, और इसमें इसको डाल के ये पीछा पीछे हो जाओ बेटा, ये इसके अंदर रखते जाएंगे। बहुत ध्यान से रखिएगा हाथ ना जल जाए, क्योंकि गर्म ऑयल होता है तो हाथ जलने का डर होता है। बहुत प्यार से रखनी है, बड़े धीरे धीरे रखनी है भैया, धीरे धीरे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी फ्राई होने में, जल्द जल्दी फ्राई होती जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ तो कुक है, बस हमने इसको अब कलर देना है बेसन को। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, और ये बड़ी मज़ेदार बनती हैं। और पता है गर्मियों में ज़्यादा सब्जियां और वो जो है ना दालें शाले भी, चिकन चिकन भी खाने को दिल नहीं करता। रिशा चुप कर जाओ, तो गर्मियों में ये जो है ना ये ही चिकन का काम करती है। मैं कहती हूँ क्या ही बात है, इनकी बड़ी मज़ेदार बनती हैं। ये देखें आपको देखने में भी टेस्टी टेस्टी लग रही होंगी। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया, और ये हो चुकी है रेडी शेडी फॉर ईटिंग शिटिंग डपने शपने के लिए। तो अब हम फटाफट इसको करते हैं डिश आउट, और डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार बनी है और कितनी क्रिस्पी बनी है। आधा आधा ये देखो, हम
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू की टिक्की फ्राई हुई है बेसन में, और आपके सामने देखे कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है, बहुत ही मज़ेदार है। देख के मुँह में पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो ये देखिए मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द। अब तक के लिए, तब तक के लिए सबके लिए अल्लाह हाफिज़। आपको और मेरा अल्लाह नबी वारिस।